आज हम चर्चा करते हैं वायु परिवहन के विषय पर अभी तक हमने देखा आ, सड़क मार्ग आ, उसके बाद रेल मार्ग की हमने बात की फिर जल मार्ग के विषय में चर्चा की तो हम क्या देख रहे हैं कि जब से मनुष्य का विकास हुआ है तब से लेकर आज तक यदि हम कहें कि विकास की वो हर एक सीढ़ी को चढ़ता गया तो सबसे पहला प्रथम चरण यदि हम कहें तो सड़क मार्ग था उसके बाद उसके रख रखाव समय का जो है अधिक लगना या बहुत अधिक सामान का हम परिवहन जो है अधिक भारी सामान का उससे करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था और साथ ही साथ मौसम का जो हमने देखा उसका भी प्रभाव उस पर बहुत पड़ता था तो रेल मार्ग का जो उसके बाद विकास हुआ तो हमने विकास की एक दूसरी सीढ़ी या दूसरे सोपान को पार कर लिया और आज का युग जो है हम वर्तमान युग को हवाई युग के नाम से जानते हैं या हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग जो है वो हवाई युग है क्योंकि जब से वायु मार्ग का विकास हुआ है ये यदि हम बात करें तो लगभग प्रथम युद्ध के बाद जो है वायु मार्ग का विकास जो है वो तेज़ी से हुआ है तो तब से लेकर आज तक नए नए जो उसके आयाम जो हैं गढ़े जा रहे हैं या नए नए उसमें हम नई नई टेक्निक्स का टेक्नोलॉजी को उसमें अपनाते जा रहे हैं जिससे वायुयान का विकास जो है वो क्रमशः और अधिक होता जा रहा है उसमें अधिक सुविधाएं जो हैं वो मिलती जा रही हैं जो ब्रिटेन के राइट बंधु हैं वो सबसे पहले अनवरत रूप से मतलब बहुत लंबी यात्र यात्रा करने वाले राइट बंधु ही पहले थे उसके बाद जब हम देखें तो वायु मार्ग में के माध्यम से वायु मार्ग के माध्यम से यात्रा करना जो है वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है या इसकी महत्ता क्यों वर्तमान युग में हमको देखी जा रही है क्योंकि इससे समय और आ, समय की बहुत बचत होती है है ना? आ, हम ये कह सकते हैं जिन स्थानों की यात्रा हम पहले महीनों लग जाते थे हमें वहाँ तक यात्रा करने में आ, उसे हमने मिनटों में और घंटों में सिमटा कर रख दिया है और ये संभव हो पाया है जो वायु जिन्होंने वायुयान का निर्माण किया है या जो वायुयान को चलाते हैं अभी वर्तमान में हम देखें तो पूरे विश्व इतना विस्तृत विश्व है हमारा तो पूरे यदि हम विश्व की यात्रा करेंगे तो लगभग 35 घंटे में हम पूरे विश्व की यात्रा जो है वायु मार्ग के माध्यम से कर सकते हैं तो हम देख रहे हैं कि एक प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि हम सिकुड़ते हुए विश्व में निवास कर रहे हैं तो इसका इम्पोर्टेंस अभी वर्तमान में इसीलिए और अधिक बढ़ गया है कि इसमें समय बहुत कम लगता है आजकल हम सुनते हैं भाई किसी के पास समय ही नहीं है तो समय की बचत जब करनी होती है या हमें बहुत अधिक लंबी दूरी की जो यात्रा है वो समय के अभाव के कारण जल्दी वो यात्रा करनी पड़े तो हम वायुयान का उपयोग करते हैं साथ ही साथ इसका महत्व और भी इसलिए है कि बहुत ज़्यादा जो कीमती वस्तुएं हैं या बहुत जल्दी ख़राब होने वाली जो वस्तुएं हैं जिन्हें हम सड़क मार्ग या रेल मार्ग के माध्यम से नहीं ले जा सकते परिवहन नहीं कर सकते उन्हें भी हम वायु मार्ग के द्वारा उनका परिवहन कर सकते हैं और हम देखें तो वायु मार्ग के माध्यम से हम एक देश मतलब महाद्वीप के किसी एक देश का जो संबंध है वो किसी अन्य महाद्वीप के देश से हम स्थापित कर सकते हैं बहुत जल्दी या बहुत शीघ्र संबंध उसमें स्थापित हो सकता है हाँ ये खर्चीला बहुत है क्योंकि कोई हम बोलें एक अमीर व्यक्ति या धनी व्यक्ति जिनके पास जो आर्थिक रूप से समृद्ध है वही इस पे यात्रा कर सकता है और साथ ही साथ हम ऐसे देश में ही इसका अधिकतर विकास देखेंगे जहाँ पर जो आर्थिक रूप से उन्नत शील राष्ट्र हैं या जहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है वो बहुत उच्च है हम ये भी देखते हैं कि जब किसी भी देश में बाढ़ की अकाल की सूखे की भूस्खलन इस टाइप की जो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उस समय भी जब रेल मार्ग के माध्यम से या सड़क मार्ग से उन स्थानों तक पहुंचना हमारे लिए सरल और सहज नहीं होता है तो उस समय ये जो वायु मार्ग है वो हमारे लिए बहुत सहायक होते हैं क्योंकि हम बहुत शीघ्र जो है उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं साथ ही साथ हम देखेंगे जब कभी कोई सैनिक या बॉर्डर पर सुरक्षा की बात होती है या सैनिकों को कुछ सामान जो है वो बहुत शीघ्र पहुंचाने की बात हो रही है या उन तक सहायता पहुंचाने की बात होती है तब भी रेल मार्ग और आ, सड़क मार्ग की अपेक्षा जो है वो हम वायु मार्ग के माध्यम से बहुत शीघ्र उन तक सहायता पहुंचा सकते हैं और आ, इसके अलावा एक और महत्व तो हम देखते हैं आ, जैसे कोई भी दलदली क्षेत्र है घना वन आच्छादित क्षेत्र है तो इन आ, सब सीमाओं को पार करके जहाँ पर रेल मार्ग को नहीं बिछाया जा सकता सड़क मार्गों का विकास नहीं किया जा सकता वहाँ पर आ, वायु मार्ग जो है वो आ, अत, सहजता से या सरलता से पहुंच सकता है अब हम देखेंगे कि वायु मार्ग को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं जिन जहां पर आ, किसी स्थान पर हम वायु मार्ग का विकास कर सकते हैं और कहां पर नहीं हो सकता तो इस संबंध में हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जलवायु फैक्टर है हमारा जलवायु एक ऐसा कारक है जो वायु मार्ग के विकास में एक बाधा के रूप में भी हम कह सकते हैं क्योंकि जहाँ कहीं भी कोहरे की दशा उत्पन्न हो रही है बहुत अधिक बारिश है या हिमपात की स्थिति बन रही है तो हम देखते हैं कि ऐसे स्थानों पे या जब ऐसी जलवायु वाला स्थान होता है या ऐस एस, ऐसी मौसम संबंधी जो दशाएं उत्पन्न होती हैं तो वहाँ पर वायु मार्ग में बाधा पहुंचती है जो वायुयान है वहाँ पर उसकी लैंडिंग करानी पड़ेगी क्योंकि वो अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि वहाँ पर रास्ते जो है वो समझ में नहीं आते हैं और जलवायु जो है वो बहुत प्रभावित करता है वायु मार्गों के विकास में इसके बाद दूसरा फैक्टर है इसका प्रभावित करने वाला जो जिसे हम कहते हैं उच्चावच या भूमि की बनावट तो भूमि की जो बनावट है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक है वायु मार्ग के विकास में क्योंकि उच्चावच जो वायु मार्ग का विकास किया जाएगा वो किसी समतल भूमि है ना मैदानी क्षेत्र में उसका विकास बहुत अच्छी तरह से किया जा सकता है क्योंकि जो वायुयान है उन्हें उतारने के लिए चढ़ाने के लिए रनवे बनाने की आवश्यकता होती है बहुत लंबी दूरी का क्षेत्रफल इसके लिए चाहिए तो एक समतल भूमि का होना आवश्यक है जहाँ कहीं भी उबड़ खाबड़ या पठारी क्षेत्र हो या जो ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र हमको जहाँ पर मिलेंगे वहाँ पर वायु मार्ग का विकास जो है वो अच्छी तरह से नहीं किया जा सकता इसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट फैक्टर है आपका आर्थिक विकास आर्थिक विकास बहुत हद तक प्रभावित करता है क्योंकि अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वायु मार्ग के माध्यम से वही व्यक्ति या जनसंख्या का वही एक समूह जो है यात्रा करता है जिनके पास आर्थिक रूप से जो समृद्ध हो आर्थिक कमी मतलब पैसे की कमी उनके पास धन का अभाव ना हो तो ये वायु मार्ग ऐसे ही देश या क्षेत्र में विकसित होगा जहाँ पर की जनसंख्या जो है वो आर्थिक रूप से समृद्ध होगी धनी होगी साथ ही साथ जहाँ पर औद्योगिक विकास या वहाँ के लोगों का जीवन स्तर जो है वो उच्च होना चाहिए तो आर्थिक विकास भी प्रभावित करता है वायु मार्ग के विकास के लिए या उसको प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है अब हम दूसरी बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की जो है हमारा सुरक्षा है ना? सुरक्षा संबंधी जो दशाएँ हैं वो बहुत हद तक प्रभावित करती हैं किसी भी वायु मार्ग के विकास के लिए क्योंकि जब वायुयान ऊंचाई पे उड़ता है तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके मार्ग में किसी भी प्रकार का प्राकृतिक अवरोध ना हो है ना सिग्नल से संबंधी कोई दुविधा ना आए या ऐसा ना हो कि कोई दो वायुयान जो हैं वो एक ही मार्ग से आ रहे हों और वो टकरा जाए मतलब दुर्घटना ना हो इस बात का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है तो आ, सुरक्षा से संबंधित इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए ही हम वायु मार्ग का विकास कर सकते हैं फिर है आपका नेक्स्ट फैक्टर जो है किसी भी देश का आकार और विस्तार ये भी प्रभावित करता है वायु मार्ग के विकास को जैसे यदि हम बात करें कि संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा या रूस है ना ये देखेंगे तो इन ये ऐसे देश हैं जिनका क्षेत्रफल या इन देशों का विस्तार बहुत बड़ा है बहुत दूर तक ये देश जो हैं वो फैले हुए हैं तो आ, इन स्थानों पे क्या होगा कि एक स्थान से दूसरे स्थान या हम ये कहें कि देश के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए उन्हें लंबी यात्रा करनी पड़ती है जिसके लिए समय जो है वो बहुत व्यय होता है और चूंकि हमको पता है ये एक विकसित देश की श्रेणी में आते हैं तो यहाँ रहने वाले लोगों का जीवन स्तर भी उच्च है उनके पास पैसे का कोई अभाव नहीं है तो ये लोग समय को बचाने के लिए इन देशों के जो यात्री हैं या यहाँ की जो जनसंख्या है वो हम कहें कि वायु मार्ग को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं महाद्वीप के या देश के एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा करने के लिए जबकि हम वही बात करें अगर विकासशील देश की या जो छोटे देश हैं छोटे आकार के देश हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया बहुत हद तक हम भारत की तो बात नहीं कर सकते लेकिन भारत में हम इसलिए कहेंगे चूंकि एक विकासशील देश है तो इसका एक बहुत बड़ा जो समूह है वो एफर्ट नहीं कर सकता वायु मार्ग के खर्च को तो जो छोटे देश की हम बात करेंगे या देश का आकार या उस देश का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा नहीं होता है तो वहाँ पर वायु मार्ग का विकास भी उतनी अच्छी तरह नहीं हो पाता क्योंकि वहाँ पर उसका महत्व भी कम हो जाता है अब हम फिर नेक्स्ट फैक्टर की बात करते हैं बहुत हद तक प्रभावित करता है राजनैतिक कारक राजनैतिक कारक मतलब हम ये कहेंगे कि किसी भी देश के ऊपर उसका जो वायुमंडल होता है वो उसकी एक संपत्ति के समान होता है मतलब उस देश के ऊपर से गुज़रने के लिए मतलब हम ये कहें कि कोई भी विदेशी विमान को किसी देश में आने के लिए उस देश की जो परमिशन है हम कहें है ना तो वो मिलना बहुत आवश्यक है तो इसके लिए राजनैतिक कारक जिम्मेदार हैं मतलब किन्हीं देशों के मध्य जो है वो अच्छे संबंध हैं तो वो उनकी यात्राओं को अनुमति दे देते हैं और जैसे हम बात करें कि रूस और यूएसए की या हमारे भारत और पाकिस्तान की तो बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं इन देशों के बीच में एक तनावपूर्ण संबंध होता है तो इससे भी इन देशों के बीच कि जो वायु उड़ाने हैं या वायु यानों पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि उसमें अनुमति मिलने में जो है थोड़ी सी दिक्कत जाती है तो ये हो गए हो गया आपका राजनैतिक कारक फिर हम बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण फैक्टर हम कह सकते हैं जो हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट्स पर जो आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होती हैं तो ऐसे एयरपोर्ट्स या हम ये कहें कि ऐसे क्षेत्र या देश के हवाई अड्डे जहाँ पर बहुत आधुनिक सुविधाओं से वो सुसज्जित होगा जैसे राडार है रेडियो है है ना विश्राम की समुचित वहाँ पर व्यवस्था हो जो यात्री वहाँ पर आ रहे हैं या वहाँ पर दूसरे जगह के लिए यात्रा करने के लिए जा रहे हैं या दूसरी जगह से के यात्री वहाँ पर उतर रहे हैं तो उन के लिए भी विश्राम की खान पान की एक अच्छी सुविधा वहाँ पर उपलब्ध हो फिर उन यात्रियों को या जो माल वहाँ पर आ रहा है उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वहाँ पर सड़क और रेल मार्ग की बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होनी चाहिए तो ये फैक्टर जो है वो भी किसी भी स्थान पर वायु मार्ग के विकास को बहुत हद तक जो है वो प्रभावित करता है या इसका प्रभाव भी वायु मार्ग के विकास में पड़ता है